वो कंबल की, तो वहाँ के लोगों ने जो नशा करते ना वो चोर लेते हैं। कल भी मैं देख यार दरी भी थी, नया कंबल भी मेरे मित्र ने भेजा था अंकुल भैया ने हरसूर से, और उसके पहले मैं खुद देकर आया था। तो वहाँ के लोग चोर लेते हैं। तो फिर मेरे एक मित्र ने हमको, मनीष भैया है पार्टी भैया के हम सर्विस करते, उन्होंने मेरे को मैसेज डाला सुबह कि रेन बसेरे में इनकी व्यवस्था करा सकते। फिर मैंने नगर निगम की जानकारी निकाली और उन लोगों के सहयोग से, सभी के सहयोग, शहीद खान सर है, गोपी काका है, सिटोले जी है, जाफरी सर है, हमारा संदेश गुप्ता जी है, खरे सर है, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग भी दिया और साथ में अपनी गाड़ी में जगह भी दी कि नहीं अपन गाड़ी से लेके आएंगे। तो एक होता है खंडवा शहर में कि दादाजी की नगरी में मानवता है, आप यहाँ भूखे आ सकते हो लेकिन रह नहीं सकते हो, क्योंकि आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि यहाँ कई सहयोगियों ने अपने घर से पैसा देके, अनाज देके लोगों को रास्ते में जो आ रहे थे उनको खाने की व्यवस्था कराई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि दादाजी की पावन धरती में मेरा जन्म हुआ है। जय श्री दादाजी। भैया आपने भी इनको कहाँ से लाए और ये दादा ये काफी करोड़पति दिखाई दे रहे, तो ऐसा क्यों क्या होते? भैया हम नगर निगम में बैठे हुए थे, बबलू भैया आए, उन्होंने बताया कि वृद्ध व्यक्ति है और घर से अच्छे हैं लेकिन परिवार के लोग, चार लड़के हैं उनके परिवार में, 20 एकड़ जमीन भी है लेकिन उनको मैंने 2 बार कंबल दिया, पानी की बाटले दी, कोई इनसे कंबल भी उठा के ले गया, बाटले भी ले गए। फिर हम सभी लोग नगर निगम से सिटोले जी, याकिर जाफरी, संदीप, हम सब लोग गए उनको गाड़ी में बिठा कर यहाँ रेन बसेरे में, नए बस स्टैंड के पास रेन बसेरे जो है यहाँ पे लाकर इनको इनकी सारी व्यवस्थाएं, कपड़ा, खाना पीना, गाड़ी कटिंग सब इनकी, सब जन सहयोग के माध्यम से हो जाएगा। मैं दादाजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ ये सब पुनीत कार्य में हम लोगों का सहयोग। राम राम। देखो कहीं ना कहीं कुदरत का मार रहती है और ये दादा जो है एक अच्छे महाराष्ट्र में खामगांव के पास एक गांव के निवासी है, 30 एकड़ जमीन है, चार लड़के हैं, सबकी शादी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखते ना कि मोह जो है बड़ा बेकार होता है। और आज ये इनकी पत्नी नहीं है, इनकी पत्नी गुजर गई है, अकेले लड़कों के पास रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो तकलीफ लड़कों ने द्वारा दी गई उसका परिणाम ये है कि आज ये इस दशा में वहाँ से छोड़कर खंडवा आ गए। और खंडवा में भी 2-3 महीने से हम देखा कि यहाँ के जो रेलवे का पुल है ब्रिज पर, बस वहीं पर 24 घंटे रहना, किसी ने कम्बल ओढ़ा गया तो कम्बल ओढ़ ली, किसी ने खाना दे दिया तो खाना खा लिया, किसी ने चाय पिला दी। इस प्रकार का एक अच्छा परिवार से होने के बावजूद ये बेचारे अपना एक गरीबी का जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे थे, लोगों की नजर पड़ी, हम लोग भी हम देखते थे, जाते थे, निकलते थे। और अभी ठंड के समय में हमारे द्वारा कम्बल उम्बल भी इनको ओढ़ाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं अकेला होने के कारण कोई कम्बल चुरा ले जाए तो कोई क्या चुरा के ले जाए, चप्पल चुरा के ले जाए, लेकिन उन्होंने अपना आशियाना पुल के ऊपर ही बना लिया था। और आज सब नगर हमारी टीम नजर पड़ी और कहीं ना कहीं हमें नगर निगम के सहयोग से आज यहाँ के जो हमारे उपायुक्त है सिटोले जी और जाकिर जाफरी जी, वो गए, उनको समझाया बताया, और उनको बताने के बाद वो जब वहाँ पर पहुंचे और उसको उनकी खुद की गाड़ी में लाकर यहाँ जो बस स्टैंड के पास रेन बसेरा नगर निगम का बना है, जो गरीब गुरुओं के लिए बना है, जो यहाँ पर इस प्रकार के गरीब होते हैं उनको यहाँ पर ला के जो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, सुबह शाम नाना धोना, खाना पीना, चाय वगैरह की पूरी व्यवस्था होती है, सोने ओढ़ने बिछाने तक की पूरी व्यवस्था है। और दादा को आज यह सब लेकर आए हैं, उसी से उनको बताया कि भैया जब तक तुम्हारी इच्छा हो यहाँ रहना, जब तुम्हारी इच्छा हो जाने की तो हम छोड़वा देंगे। और ये आज रेन बसेरा में यहाँ पर आए हैं, कल इनका यहाँ से जो आदमी देख रेख करते हैं, इनकी दाढ़ी वगैरह बना के अच्छा नहला के अच्छे कपड़े पहनाकर वो यहाँ पर अपना जीवन बसर करेंगे। इस प्रकार मैं और भी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के जो दुखी लोग आपको नजर में आए तो हमको सूचना दें, ताकि हम यहाँ पर जो रेन बसेरा बना हुआ है गरीबों के लिए बना रखा है, और यहाँ खंडवा की जो महापौर अमृता अमर यादव है बराबर जो रेन बसेरा खंडवा के नगर निगम के है उनकी बराबर देखरेख करती है, व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रेन बसेरे बने हुए जहाँ पर इन गरीबों की चिंता की जाती है। तो पहले मेरे गांव में घर खुर रहता था। अच्छा। मैं बहुत पेशवार आदमी हूँ। अच्छा। बच्चे की माँ को छूता हूँ। क्यों ऐसा क्यों कर रहा तू? 4 बच्चे मेरे को। अच्छा। 3,000 पिंडरू है मेरे पास। 30 एकड़ जमीन है दादा। अच्छा। तो क्यों मंगा दिए बच्चे, क्या वजह क्या है? अरे हम नहीं जाते बच्चे। क्या हो गया था दादा आपको, क्या कारण था घर वालों ने, क्या कारण क्या था, क्यों निकालने, वजह क्या थी? मैं पीते रहे। अच्छा। अब तो नहीं पीते हो ना?
तो फिर वहां रोड पे क्यों बैठ गए थे इस तरीके से? मांगते रहते दादा, मांगते रहते वो टाइम से थे दो बार। आज एक बुजुर्ग को आपने ट्रेन बसरे में पड़े काफी करोड़पति को दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहां पे बैठे थे अभी तक? असल में हम लोग कलेक्ट्रेट से वापसी लौट रहे थे तो रेलवे ब्रिज पे दादा दिखे, तो हमारी टीम के सदस्य वहां पे थे तो अचानक हमने गाड़ी रोकी और देखा तो बुजुर्ग काफी वृद्धावस्था में और फटेहाल स्थिति में थे। तो चूंकि नगर निगम द्वारा दो रेन बसेरे संचालित किए जाते हैं जहाँ पे इस प्रकार के वृद्धों और जिनका आसरा नहीं है उनको आश्रय स्थल प्रदान किया जाता है, तो हमने अपनी गाड़ी में दादा को यहाँ पे छुड़वाया और निर्देशित किया है केयर टेकर को कि इनको बढ़िया से खाना रहने की व्यवस्था करें। रहने की व्यवस्था तो है, खाने की भी है, प्लस सुबह उनकी दाढ़ी कटी और नहला के उनको स्वच्छ कपड़े दिए जाएंगे। ऐसा सिटोले उपायुक्त नगर निगम।